हेलो हाय नमस्कार, मैं अंशिका आज वापस आ गई हूँ आपके सामने एक अच्छा सा वीडियो लेके। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ये मेरे सारे वीडियोस को थम्स अप दो ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बताऊँ और आपके साथ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। चलो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और हम स्टार्ट करते। देखो ये वीडियो होने वाला है सबके लिए क्योंकि सबको अपने 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 सुंदर सुंदर हेयर से प्यार होता ही है। तो लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है ना यार कि जब भी ये सीज़न चेंज होता है ना, या अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग जब भी कोई बेसिक क्या प्रॉब्लम होती है, जब भी सीज़न चेंज होता है ना, बस वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है कि हमारे ये सुंदर सुंदर बाल झड़ने लगते हैं क्योंकि ट्रांजिशन सीज़न में हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती ही है। तो क्या होता है ना, हम फिर और टेंशन लेते हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं और उसके कारण और बाल झड़ते हैं। तो टेंशन मत लो, कुछ करो, क्योंकि टेंशन लेने से तो कुछ वैसे भी नहीं होने वाला है। तो उसी का सलूशन लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ कि हाँ, हम खाने पीने का तो अपना ध्यान रखना ही चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हेयर्स अंदर से स्ट्रांग हो तो उसके लिए डेफिनेटली हमको खाने का ध्यान रखना है, बट हमें कुछ ऐसी चीज़ भी एक्सटर्नली अप्लाई करनी चाहिए जो कि हमारे हेयर्स को एक स्ट्रेंथ दे ताकि वो टूटे कम और अंदर से हमारे हेयर ग्रोथ हो। हेयर फॉल अगर हो भी रहा है तो अगर हेयर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है ना तो डेफिनेटली नए बाल उगेंगे, सो वो बैलेंस हो जाएगा। तो मैं इसी सीरीज़ में बात करने वाली हूँ, दैट इज़ द नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, मैं बात करने वाली हूँ इसके बारे में। दिस इज़ बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा मस्क रूट फ्रेश ग्रोथ नरिशिंग ट्रीटमेंट पैक। एक्चुअली मैं वैसे तो मैं हेयर ऑयल भी मैंने अपना हेयर ऑयल बनाया है, डेफिनेटली आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू पीपल। बट क्या होता है, हेयर ऑयल के अलावा भी आपके हेयर को एक्सटर्नल पैक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हेयर को स्ट्रेंथ मिले। तो मैं अगर इस पैक की बात करूँ कि वाई आई हैव चूज़न दिस, तो मैंने जब इसके इंग्रेडिएंट्स देखे, जो कि मैं आपको भी बता देती हूँ, ये बायोटिक का प्रोडक्ट्स है, सो इट इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, इट्स अ हर्बल प्रोडक्ट, जो कि ये कहते हैं कि इट्स अ हर्बल प्रोडक्ट एंड ये इज़ डेफिनेटली बायोटिक इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट्स। अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट के अंदर तो इसमें है मुलेठी रूट। अगर मैं आपको मुलेठी रूट के बारे में बताऊँ तो मुलेठी रूट एक वंडर काम करता है अपने हेयर्स के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये अपने हेयर्स पे ना जिनको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, जिनको भी इची स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है या फ्लेक्स होते हैं जो हेयर के, मतलब डैंड्रफ के, वो गिरते हैं जिसके कारण चेहरे पे पिंपल आते हैं, तो वो सारी चीज़ें ये ख़त्म करता है। मुलेठी बहुत ही अच्छा रूट है जिसको हम आई थिंक लिकोराइज, इट्स साइंटिफिक नेम इज़ दैट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें आंवला फ्रूट है। आप सबको पता है कि विटामिन सी हमारे हेयर्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन सी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हमारे हेयर की प्रीमैच्योर एजिंग रुकती है, जिससे हमारे हेयर को स्ट्रेंथ मिलती है, जो हेयर ग्रोथ करता है। तो आंवला फ्रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें से मतलब एक्सटर्नली तो हम लगा रहे हैं बट इंटरनली भी हमें आंवला का इनटेक करना चाहिए। इसके बाद है बेधा फ्रूट। बेधा फ्रूट इज़ बेसिकली ये त्रिफला का ही एक फ्रूट कहते हैं इसे, लेमन लैंग्वेज में मोस्टली पीपल इसको त्रिफला का फ्रूट बोलते हैं एंड डेफिनेटली ये हेयर फॉल हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं बाकी बात करूँ ना, हरर, जायफल, बेलफल एंड ब्रिंगराज प्लांट, ये जो भी सारी चीज़ों इन्होंने इसमें यूज़ करी हैं, ऑल आर रिलेटेड टू हेयर प्रॉब्लम्स, हेयर ग्रोथ और हेयर को स्ट्रेंथ देने के लिए, डैंड्रफ वगैरह को दूर करने के लिए, ये सारे जितने भी हर्ब्स हैं ये इसी के लिए यूज़ होते हैं, इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया। और अगर मैं इस प्रोडक्ट का आपको मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊं इसकी, तो ये एक कुछ मैं आपको बताती हूँ, 230 रुपीज़ का ये आता है एंड नायका पे आपको ये ऑफ भी शायद मिल जाएगा। एंड अगर मैं इसके रिटेल प्राइस तो 230 है, और अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे पैकेजिंग में आता है, कुछ ये टब शेप पैकेजिंग है। और अगर मैं इसके अंदर का आपको प्रोडक्ट दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसा होता है। अगर मैं इसकी स्मेल करूँ तो वही आपको ब्रिंगराज एंड आंवला की आपको स्मेल आएगी एंड ये टोटल हर्बल प्रोडक्ट दिखता है और आप फील भी करोगे। अब इसे यूज़ कैसे करना है, अगर मैं बताऊँ आपको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, तो आप इसको किसी के साथ भी, मतलब आप एग के साथ यूज़ कर सकते हो, योगर्ट और एग को मिला के इसको यूज़ करना है ना। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसको यूज़ करने से पहले आप हेयर वॉश ज़रूर करिएगा, बिकॉज क्लीन हेयर्स पे अगर आप कोई भी मास्क लगाते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप डर्टी या ऑयली या सेकेंड डे हेयर्स पे या थर्ड डे हेयर्स पे लगाते हो, तो दैट विल नॉट बी गुड।
सो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा. और हाँ, इसको 30 मिनट ही लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है आपको और हेयर्स पे भी इसको, क्योंकि आप दही एंड अंडा मिक्स करोगे तो यू कैन अप्लाई इट ऑन हेयर्स ऑल्सो. और इसको 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिएगा. देन आप अच्छे से इसको पानी से रिंस कर लीजिए. एंड हाँ, आप इसको वीकेंड में एक बार यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ मैं एक ही बार यूज़ करती हूँ. और मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, मैंने ये प्रोडक्ट कुछ 4 मंथ्स बिफोर यूज़ करना स्टार्ट किया था. मेरा बहुत हेयर फॉल का प्रॉब्लम था और इसके कारण डेफिनेटली अलॉन्ग विद द ऑयल ऑल्सो दैट आई हैव मेड इन माई होम ओनली, और वो भी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. तो उन दोनों को मैंने यूज़ करा है कलेक्टिवली एंड इट हैज़ गिवन मी द इमेंस रिजल्ट. डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर ट्राई करो. इसके बाद कोई हेयर्स ड्राई नहीं होते, बिकॉज आप इसको योगर्ट या एग के साथ यूज़ करोगे तो डेफिनेटली कोई ड्राई का प्रॉब्लम नहीं होगा. प्लस कोई ऐसी फाउली या कोई ऐसी स्मेल नहीं है इसमें. सो इट इज़ अ वेरी ऑसम प्रोडक्ट. एंड येस, सो आज का मेरा रिव्यू यहीं ख़त्म होता है. और डेफिनेटली अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करिएगा. एंड येस, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. बाय बाय.